दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर सीसीटीवी। ये सीसीटीवी काफ़ी पोर्टेबल है आपके अपने घर के लिए या छोटे शॉपकीपर्स जो होते हैं ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि जो हज़ारों के खर्च में जाएंगे जहां पर उनको दो तीन कैमरे DVR प्लस मॉनिटरिंग प्लस आपको उसमें हार्ड डिस्क भी लगाना पड़ सकता है, तो उससे कहीं भी सस्ता और किफ़ायती आपके लिए ये डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होगा, जिसे आप इन शॉर्ट भाषा में CCTV कह सकते हैं। इसे आप लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाना चाहूँगा। इसके साथ ही एक एडाप्टर होता है लाइन की कनेक्टिविटी के लिए है, और ये अब दीवार में जहाँ पर लगाना चाहेंगे उसके लिए एक स्क्रू दिया हुआ है, और ये एडेप्टर है, इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा करके लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ये मैनुअल गाइड दिया हुआ है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो इस गाइड के द्वारा भी देख करके आप काम कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं अभी हमारे हाथ में ये CCTV है, जो काफ़ी हल्की है, ज़्यादा वेट भी नहीं, आप इसे आसानी से कहीं भी कील के सहारे दीवार में लगा सकते हैं। जब इसके पीछे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा मूव कराएंगे, ये चारों ओर से मूवेबल है इस तरीके से। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड भी लग सकता है, ठीक है, इस पर हम लोग मेमोरी कार्ड लगाएंगे। मेमोरी कार्ड आप इस तरीके से इसमें लगाएंगे, इस तरीके से ना लगाएंगे, इधर और डाल करके इसे आप यहाँ से इंसर्ट कराएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करेंगे और कनेक्ट करके देखेंगे कि ये रिकॉर्डिंग किस प्रकार इस पे आ रही है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने इसमें लाइट डाली, यहाँ पर जैसे ही आप बिजली की कनेक्टिविटी डालते हैं एक लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए एक बटन यहाँ पर दिया है, उसे आप दबाएंगे। ये मैंने दबा दिया, अब वहाँ पर वो लाइट जो है ना ब्लू कलर की पहले ब्लिंक कर रही थी, अभी वो परमानेंट हो गई, यानी परमानेंट हो गई, यानी कि ये रिकॉर्डिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके बाद यही रिकॉर्डिंग मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर दिखाना चाहूँगा। अब रिकॉर्डिंग मैं पॉज कर, आप इसे निकाल दें। करने के बाद आसानी से सेट कर दें, लैपटॉप में लगाएंगे। वीडियो की फाइल है, ये रिकॉर्ड हुई है इसमें, इसमें 3GB फाइल्स हैं, इसमें आप सामने देख सकते हैं 3GB मोड में ये आपकी वीडियो को बनाता है। ये आप देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग, अभी ये मेरी घड़ी की टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये टाइमिंग भी है, और यहाँ इसके डेट फॉर्मेट है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। इसमें दो रिकॉर्डिंग मैंने किया है, एक और ऐसा है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन है आपके लिए, मैंने चंद पल कुछ ही रिकॉर्ड किए हैं इसमें,
आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है, आप कहीं भी काम करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।